मस्ती करेगा, एंजॉयमेंट करेगा। ना लाइन होटल पे रुके हैं, सुना है यहाँ पे चाय काफी सस्ता है। अच्छा चले गाइस विद दिरित, हम ना यहाँ इतना सारा रील्स बनाया, हंस झलक भी आप लोग। कल के व्लॉग में आपने देखा हम ब्रेकफास्ट करने के बाद में हम गए थे ऑर्किड रिसर्च सेंटर में तिप्पी में। मैंने जिंदगी में फर्स्ट टाइम इतने सारे ऑर्किड एक साथ देखी। रास्ते में हमने एक्सीडेंट भी देखी और ट्रैफिक में भी फंसे, फिर भी हमने अपना दिल को टान लिया कि हमें जाना है। तो फाइनली हम पहुंच गए एक लोकेशन पे। तो देवी और संजनो आज की व्लॉग यही से स्टार्ट होगी। गेस व्हाट, यहाँ पे इतना प्रीटी सा एक झरना है गाइस, आपको दिखाती हूँ। जस्ट वेट 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 वेट, आर यू रेडी? रेडी, 1 2 3, just look at this guys, oh my god, oh my god, oh my god, oh my god, just look at this, yeah inman sundar, yahan pe sare tourist log hai, ye dekhiye guys, aur ye rasta dekhiye, मेरा फोन में गाइस ये जगह इतना प्रीति है ना, बट मेरा फोन की क्वालिटी कैमरा की क्वालिटी इतना इसको ना जस्टिस नहीं कर पा रही है। जस्ट लुक एट दिस गाइस, ओह माय गॉड, इतना प्रीति है, ये देखो सारा फोटो खिंचवा। ओके सो गाइस, मैं आपको मिलाना चाहती हूँ, मैं कल से आपको उनके बारे में तारीफ ही तारीफ कर रही हूँ। तो आज अभी मैं आपको दिखाती हूँ जिनके घर में हम रुके हुए हैं। ये है सर जी, एक सेकंड सर, इस तरफ आइए सर, आपका नाम बताइए। के के यंग को। और थैंक यू सो मच, आपने हमें इतना अच्छा से खिलाया पिलाया और मेरी सुंदरता को बनाए रखा। मैं तो बनाई गए, थैंक यू सर, और बहुत काइंड है। मैम से भी मैं मिलाऊंगी गाइस नेक्स्ट वीडियो में। सर आप ये झरना के बारे में कुछ बताइए मेरे ऑडियंस को। ये एक झरना जो बहुत हिस्टोरिकल है, वो सब लोग यहाँ में आके, जितना भी टूरिस्ट है यहाँ में आके ये फोटो सेल्फी लेता है, और या थोड़ा ये जो है इसका साइदेल का, इसका नाम नदी का नाम जो है साइदेल है, ये झरना का नाम है साइदेल है, वो सब टूरिस्ट लोग यहाँ में आनंद लेता है, इंजॉयमेंट करता है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बलकपुंग, द टाउन इज लोकेटेड एट 213 मीटर अबव द सी लेवल, 100 किलोमीटर फ्रॉम बोमडिला, 52 किलोमीटर फ्रॉम तेजपुर एंड 5 किलोमीटर फ्रॉम टिप्पी। इट लाइज अलोंग विद द कमिंग रिवर एंड इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ बलकपुंग सर्कल, एंड ऑल्सो द इनर लाइन चेक पोस्ट इज लोकेटेड एट बलकपुंग। इट हैज अ रेलवे स्टेशन, नेमली बलकपुंग रेलवे स्टेशन। इट इज कनेक्टेड टू रंग्या मुखोंग सेलक, सॉरी इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग, रेलवे लाइन एट बलीपारा। क्या बोल रहे दोस्तों, ज्यादा अंग्रेजी हो गया कि आगे चलिए, आगे मैं हिंदी में बात करूंगी क्योंकि थोड़ा बहुत बोलना पड़ता है अंग्रेजी। ये देखिए हमारे साथ आए थे ये सर लोग, ये फोटोग्राफर एंड वो हीरो है हमारे सर के, आज के लिए हमारा हीरो है। ये देखिए सुबह हमने फोटोज वगैरह खिंचा लिया, हम अभी नेक्स्ट लोकेशन पे जा रहे हैं। यहाँ पे बहुत ठंडा है गाइस, लेट्स गो। देखिए गाइस, यहाँ से बोमडिला है 56 किलोमीटर, दिरंग 98, तवंग 232, ज़्यादा दूर नहीं है ना, बस तवंग थोड़ा सा ज़्यादा दूर है। ये देखिए गाइस, कोरा ही कोरा, हम कोरा के बीच पे चल रहे हैं, गाड़ी पे बंद होने लग रहे हैं धीरे धीरे। एज यू गाइस नो, मेरी चैनल ना फ्री स्टाइल चैनल है, तो मैंने सोचा कि यहाँ पे इन्फॉर्मेटिव भी ऐड करूँगी अभी से, जहाँ भी मैं ट्रैवलिंग करूँगी। आई होप कि आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मिले, और मोस्टली मैं अपना अरुणाचल का जो ब्लॉग होते हैं उसको ना मैं थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव बनाना चाहती हूँ। ये देखिए गाइस, रोड पूरा ढक चुके, अभी तो थोड़ा क्लियर हो गया, आई वॉज क्वाइट बिजी। ये देखिए ऐसे चला के जाना पड़ता है, इंडिकेटर, इसको इंडिकेटर बोलते हैं ना वैसे, बोथ साइड इंडिकेटर ना। देखिए
सो गाइस, मेरे जितने भी ट्रैवल व्लॉग्स हैं, मैं ज़्यादातर रो रखने की कोशिश करती हूँ बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं लगा के, वरना बैकग्राउंड म्यूजिक में ना वो फील नहीं आती है। गाइस देखिए, हम ना अभी टनल पहुँच गए हैं। चलिए लेट्स एंटर। हाँ, लाइट चले, लाइट नहीं है। ये देखिए, हम अभी अंदर पे हैं टनल के। ये टनल जो कितना किलोमीटर का है? 700 मीटर है क्या? ओह, 7 किलो नहीं है ना, बस मीटर। ओके, इजंट इट टू स्केरी। ईटानगर का अंदर पास में भी जाने से मेरा दम घुटने लगता है। हां, उसमें भी सफोकेशन होता है। हां लाइट। अभी वो गाना गाना है, ये रातें मौसम नदी का किनारा, ये चंचल। ओ ओ ओके, इतना भी लंबा नहीं है ना। सो ये कितना किलोमीटर कवर करता है वैसे? 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर। ओके, जो अगर गाइस जो नॉर्मल रोड पे जाओगे तो आप हाईवे बोलेगा ना उसको, तो उसमें 4 किलोमीटर है, बट यहाँ पे 700 मीटर कवर अप कर लेता है। चलिए गाइस, विद डायरेक्ट बहुत ही आसान था, बट आई वाज सो स्केयर्ड। ये देखिए, फोग दिखाती हूँ। अच्छा, ये देखिए गाइस, कैन यू सी द फॉग? पता नहीं ये कैमरा से दिख भी पा रहे। अच्छा, अभी थोड़ा सा हल्का सा दिख रही थी गाइस, बट नेकेड आइज से ना इतना सुंदर दिख रहा है सी। और यहाँ रोड पे नहीं दिख रहा है, जस्ट बिकॉज रोड जो गर्म हो रखा है। सी कैसे निकल रहा है, ओह माय गॉड। और यहाँ देखिए गाइस, यहाँ लिखा है बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। ये देखिए, ओह माय गॉड, आई एम जस्ट स्पीचलेस। इट इज़ वेरी नाइस टू एक्सप्लोर, यू नो। ये 2 मंथ्स में ना मैं काफ़ी ज़्यादा ट्रैवलिंग कर रही हूँ, एंड आई एम एक्सपेरिमेंटिंग एवरीथिंग, एडवेंचर्स और हंसी मजाक, एन्जॉयमेंट सारे बहुत चल रही है। और अभी मैं सिटी, मेट्रो सिटी में भी ट्रैवलिंग करने वाली हूँ। सो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब। बार बार वीक मांग रही हूँ, मांगना पड़ता है, करिए ना सब्सक्राइब। ये देखिए गाइस, हाँ वक जाएगा गाड़ी एमपी, ये गाड़ी ज्यादा नीचे में नहीं है क्या? सो गाइस, अभी हम यहाँ से ना थोड़ा सा वक करने वाले हैं। लेट्स गो। ये एक्सप्लोर भी करके देखते हैं। ये देखिए फोग कैसे निकल रहा है यहाँ से। ये देखिए पूरा ठंडा है, ठंडा आ गया। ये देखिए देना चाहिए था। गाइस, ये टनल का नाम है क्या है? निचिपू। हाँ। निचिपू टनल। चलो अभी हम वॉक करेंगे इसके अंदर में। ये मिजी ड्रेस है ना आका। लेट्स गो गाइस। इतना हवा आ रहा है, टू स्केरी। अरे यहाँ पे आदमी वॉक नहीं करने बोला है क्या? वॉक नहीं करना बोला है। ये ऊपर देखो, आराम के डर लग रही है। वो भी नहीं जा रहे ये लोग भी, पर मुझे बहुत डर लग रहा है। जाऊँ कि नहीं जाऊँ। वापस आ गए ये लोग। आप लोग तो आ गए, फोगी होने दो, फोगी तो आ गए। तो गाइस, हम ना अंदर गए थे, बट इट इज़ वेरी स्केरी और मुझे तो बहुत डर लगता है गाइस ऐसे अंदर गुफा में घुसने में। सो वी आर गोइंग बैक, पिक्चर जा रहे हैं और मैं मेन हीरो हूँ। ये देखिए, मैं मेन हीरोइन हूँ। सो चलिए गाइस, यहाँ देखिए पूरा फॉग हो चुके हैं। मस्ती करेगा, एंजॉयमेंट करेगा। एंजॉयमेंट करेगा, हम लोग सर का साथ एंजॉयमेंट करेगा। आज तुमके बहुत अच्छा लगा है। आपने उल्लू बनाया था, हमको बहुत गर्म उल्लू बनाया था। गर्म होगा वाला, ठंडा बर्फ वाला। नहीं, मतलब हम गर्म होगा वाला ना।
हाफन पहन के जा रहे थे। ओहो आप हाफन पहना ना, आप भी देखा देखिए गाइस फॉग कैसे निकल रहे यहाँ से, मेरा गला भी सूख गया। चलिए हम अभी वापस जा रहे हैं यहाँ से। सो गाइस अभी हम जो मेन रोड है ना वहाँ से जा रहे हैं। पहले तो हम टनल के अंदर से आए थे, वहाँ पे लगे थे हमें, कितना मिनट लगा होगा? ऐसे तो ज्यादा नहीं लगेगा, एक दो डेढ़ मिनट जैसे लगेगा, दो या डेढ़ मिनट ना ऐसे लगेगा। ओके तो अभी यहाँ से पड़ेगा हमें 4 किलोमीटर, हमें कितना टाइम लगेगा सर? 10 to 15। 10 to 15 तो आगे पे चाय पानी कुछ मिलेगा? हाँ बहुत कुछ मिलेगा जो चाहिए वो। लोगों को लग रहा हूँ मैं बहुत खाती हूँ, नहीं जस्ट एक यू नो फन वे पे चलता है यू नो। कितना तक सीरियस रहेगा ना, जिंदगी एक ही बार है ना सर, जिंदगी एक ही बार है तो एंजॉय करो, हंसी मजाक करो और क्या। कितना दुख तकलीफ और सीरियसनेस में रहोगे, है कि नहीं? सी यहाँ पे भी इतना ज्यादा फॉग है देखिए। तो गाइस अभी हम ना लाइन होटल पे रुके हैं, वी गोना हैव टी हियर। सुना यहाँ पे चाय काफी सस्ता है, सो वी गोना एक्सप्लोर द टी, बिकॉज आजकल मुझे ना एडिक्शन हो रखा है चाय का, सो लेट्स गो। ये दोपहर है ना, आप लोग जा रहे हैं? हो गया। बाय। लगा कैसे लग रहा है? अब बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। ये देखिए गाइस ये लोग अभी देखने जा रहा है, बीइंग अ व्लॉगर आई एम वेरी स्मार्ट, मैं तो एक चक्कर लगा के आ गई देखिए। नहीं नहीं किसका पास हिम्मत है, एक बार ऐसे करके देखो। नहीं नहीं ऐसे ऐसे करो। नहीं नहीं चूने के लिए ऐसे तो कर, कुछ नहीं है ना, ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे हाँ वो तो कुछ नहीं, बट आप ऐसे करो ना ऐसे। जब ज्यादा खुजली होता है ना, हाँ बेस्ट मेडिसिन है खुजली मेडिसिन, देखो इसको काम करने का खुजली ना, रुको नहीं ये इसको ना, वो लोग सब्जी खाता है ना। हाँ खाता है, नेपाली लोग भी खाता है। तू क्या करने के लिए मत करो, खुजली कर देगा, खुजली कर देगा। आप फेस में ऐसे ऐसे करके देखो अपना। लो 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 हो गया, देखो ना इतना मेहनत से बनाई है घर लोग ना, तू कितने से गया देखो ना, गया घर से मेहनत से बनाया ना ये, देखो ना इतना रिक्शी है, वही तो ना डर पहाड़ है, नीचे में रोड देखो, नीचे रोड गिरते है। गाइस हम ना यहाँ इतना सारा रील्स बनाया, हंस हंस के पागल हो गया, अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से, गर्म हो गया। इस हम ना मेन रोड से अभी टनल के जहाँ से हम एंटर करे थे वहीं पे निकल गए हैं। पहले लाइट बंद करके रखा था क्योंकि यहाँ पे काम चल रहे थे, तो अभी उन्होंने ना लाइट खोल दिया। सो हमने सोचा कि जब इतना मेहनत करके आ ही गए तो क्यों ना थोड़ा सा एक झलक भी आप लोग। गाइस इसको देख के डर गई थी मैं, ये देखिए इतना डरावना है, ये देखिए ओ माय गॉड इतना डरावना, ये देखिए गाड़ी नियर तर का। तो गाइस ये देखिए यहाँ से एंट्रेंस का व्यू ऐसा दिखते है गाइस, ये देखिए टनल कंडक्टर ऐसे ना हो कि गाड़ी आके मुझे लेके चले जाए, थोड़ा सा डरावना है।